दो दिवसीय हड़ताल पर गए सरकारी कर्मचारी। देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारी आज से दो दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। इन कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से जहां एक ओर सरकारी कामकाज ठप हो गया है, वहीं आमजन को मिलने वाली सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। इसी के चलते आज रेवाड़ी में भी अखिल भारतीय रेल डाक की जीवनी के बैनर तले दक्ष सेवा से जुड़े कर्मचारी हड़ताल पर रहे। वहीं भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों ने भी इस हड़ताल में शामिल होकर अपने कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। हड़ताल को लेकर यही कहूंगी कि जो 2004 के बाद सरकार ने हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी थी, उसको तुरंत लागू किया जाए। इसी बारे में हमारी मतलब हड़ताल का मेन मुद्दा यही है कि एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम खत्म की जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम तुरंत लागू की जाए सरकार के द्वारा। यहाँ ब्रांच सेक्रेटरी आज हड़ताल की गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? मामला ये है कि हमारे जो एक तो न्यू पेंशन स्कीम का है मामला, कि न्यू पेंशन स्कीम जो है ना वो उसको सन 2004 से लगाई गई थी, उसको हम हटवाना चाह रहे हैं और जो पुरानी पेंशन जो है उसको हम लागू करवाना चाह रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारे जो है पांच पदोन्नति होती थी, पांचों जो है सरकार ने ढुलमुल रवैये से लागू नहीं कर रही है। और दूसरा तीसरी ठेका प्रथा जो है जो चल रही है उसको हम बंद करवा करके रेगुलर कर्मचारियों की भर्ती करवाना चाह रहे हैं। और हमारे पास में जितनी भी पोस्टें शॉर्ट चल रही हैं उनको तुरंत से तुरंत भरा जाए, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। और जो आदमी ठेके पे लगे हुए हैं उनको रेगुलर किया जाए और ठेके प्रथा बिल्कुल बंद की जाए और पुरानी पेंशन हमारी तुरंत लागू की जाए। इन सभी मांगों को लेकर के आज हम दो दिवसीय हड़ताल पर हमारे सर्किल हेडक्वार्टर के आह्वान पर हम दो दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं, जिसका आज से हमने हड़ताल शुरू कर दी हमारे कर्मचारियों ने। आज की जो हड़ताल है पूरे देश भर में जो वर्किंग क्लास है उसकी हड़ताल है, उसके अंदर बीएसएनएल के कर्मचारी भी उसके अंदर शामिल हैं। और ये हड़ताल है ये जो पीएसयूज का विनिवेश करने की और इसको पीएसयूज को जो बिक्री करने की जो रणनीति है उसके खिलाफ हम बीएसएनएल का कर्मचारी यहाँ हड़ताल के ऊपर है। हमारी मांग है कि जो पीएसयूज है उनके जो रक्षा है वो की जाए और साथ ही साथ जो कर्मचारियों की जो डिमांड्स हैं, मिनिमम 18,000 वेतन लागू किया जाए, मिनिमम 3,000 पेंशन है वो लागू की जाए और महंगाई के ऊपर रोक लगे और हमारी जो थर्ड पीआरसी है उसको लागू किया जाए। हमारी तमाम डिमांड्स को लेकर पूरे जिला भर में आज हमारे यहाँ रेवाड़ी और स्ट्राउंडिंग के जो साथी हैं वो पीजीएमटीडी ऑफिस रेवाड़ी के सामने हड़ताल पर बैठे हैं। इसी तरह से जो हमारा रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है उसके तमाम साथी नारनौल पर हड़ताल पर हैं। पोस्ट ऑफिस में आए थे, काम के लिए आए थे, पर यहाँ पता लगा कि हड़ताल है जो कि बहुत लोगों को असुविधा हो रही है और ये हड़ताल वगैरह नहीं होनी चाहिए। जो भी कार्रवाई है उचित तौर पर होनी चाहिए और बाकायदा ये देश में जो हड़ताल का माहौल है उसे खत्म किया जाए और बढ़िया जो सुचारू व्यवस्था है उसे किया जाए। हम सरकार से यही चाहेंगे, हड़ताल वालों से भी यही चाहेंगे, विभाग से भी यही चाहेंगे कि अपने काम सुचारू रूप से हो, जिससे लोगों का क्या नाम है कार्य में बाधा ना आए और अच्छे सुचारू रूप से काम हो। बच्चों के पैसे जमा करने के लिए आए, यहाँ तो हड़ताल है, इससे जनता परेशान है और ये तो आपस में इनका मैटर सरकार मंत्री और इनसे मिलकर अपने करे सुझाव। जनता तो परेशान हो रही है, हड़ताल है, अपना समय निकालेगा, आज बहुत जरूरी काम था इसलिए पैसे जमाए तो माफी भी जाने कैंसिल हो गया। तो ये ताला देख के कैसे? ताला देख के तो हो गया कि भाई यहाँ नहीं, अपना कीमती समय निकाल के आया यहाँ पैसे जमा करने की। परेशानी हो रही है, परेशानी बहुत ज्यादा मेरे को, सब पब्लिक को हो रही है, जो आ रही है आम जनता सब। ताला देख के दिमाग खराब हो गया। हाँ।